सज्जनों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, उसको ये वीडियो समर्पित है। पूरा सुने, अवश्य सुने। इसमें आधुनिकता और प्राचीनता दोनों का विश्लेषण है। सज्जनों नमस्कार, आनंद से रहें, प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। आज मित्रता दिवस है तो मैंने सोचा कि चलिए मित्रता के संबंध में सबको अच्छे संदेश दिए जाएं, जिससे सब में खुशी हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़े, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिगर सहयोग के, बिगर मित्रता के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। और इस संदर्भ में सबसे प्रमुख बात यह होगी कि प्राचीन काल की मित्रता से लेके और आज की मित्रता तक का संदेश होगा। प्राचीनता में भी ध्यान देना पड़ेगा और आधुनिक काल में भी ध्यान देना पड़ेगा। भाई, आधुनिक काल में तो सबसे अच्छा दोस्त तो जो हमारे हाथ में है और जो आप देख रहे हैं वही हो गया है। सर्वविदित सिद्ध हो गया है ये कि इस मोबाइल से ज़्यादा अच्छा कोई दोस्त है ही नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए मोबाइल से ही सबको संदेश दिया जाए। यह आधुनिक व्यवस्था के प्रति मेरा कटाक्ष है और सत्य तो यही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और आपको मित्र बनाना ही पड़ेंगे, क्योंकि मोबाइल आपस में वार्ता नहीं कर सकता, दुख और सुख को नहीं सुन सकता और प्रतिक्रिया संवेगात्मक नहीं दे सकता, इमोशनल नहीं दे सकता। इसके लिए मित्र बनाना ही आवश्यक है। भारत के प्राचीन साहित्यों में अगर हम नज़र डालें तो मित्रता का इतना अनूठे उदाहरण है कि पूरी दुनिया के लिए वो प्रासंगिक हैं और प्रेरणात्मक हैं, मोटिवेशनल हैं पूरी दुनिया के लिए। भारत के प्राचीन साहित्य में सबसे पहली दोस्ती, अगर कहीं मित्रता नज़र आती है साहित्य में, ग्रंथों में, तो श्री वाल्मीकि जी की रामायण में आती है। जैसे तुलसीदास जी ने इस तरह से लिखा है, वो भी निषाद राज केवट गुह और भगवान प्रभु राम जी के विषय में। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे भेसे करुणा एन चितई जाने की लखन तनु। यहाँ से दोस्ती का प्रसंग पहला मिलता है और फिर आगे भागवत में और रामचरितमानस में अन्य विवरण मिलते हैं। तो दोस्ती के उद्धरण भारत में अति प्राचीन है और भागवत के संदेश में सबसे बड़ा अगर कोई शीर्षक है या सबसे बड़ा कोई अध्याय है तो वो श्री सुदामा और कृष्ण जी की मित्रता है और दोस्ती है, जो हमें जन जन को एक संदेश देती है और हमारी रचनात्मकता में, सृजनात्मकता में और हमारी विचारधारा में उसका बहुत बड़ा प्रभाव आदिकाल से चला आ रहा है। ऐसा अति प्रिय और अति संवेगात्मक विवरण आपको दुनिया के किसी अन्य साहित्य में नहीं मिलेगा। देखो, साहित्य लिखने के लिए किसी ने मना नहीं किया, आप भी खूब अच्छा साहित्य लिखते, लेकिन सुदामा और कृष्ण का चरित्र जब सुनते हैं तो आदमी भाव विभोर हो जाता है। अच्छा, श्री रामचरितमानस भी मित्रता के मामले में पीछे नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो भाव सुदामा और कृष्ण की दोस्ती में है वो भाव तो भाई रामचरितमानस में भी नहीं मिलता। राम और प्रभु श्री राम और सुग्रीव जी की मित्रता अद्वितीय मित्रता है, अद्वितीय। और फिर आगे चल के भगवान श्री राम और विभीषण जी की भी अद्वितीय मित्रता है। देखिए, श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में कितना अच्छा प्रसंग आया है, जब भगवान ने, श्री राम जी ने विभीषण, लंका जीती भी नहीं थी उस समय, विभीषण का राज तिलक कर दिया था। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन दिए दसमात, सुई संपदा विभीष नहीं सकुच दीन रघुनाथ। कितनी बड़ी मित्रता है कि लंका जीती नहीं और मित्रता के लिए दांव लगा दिया, मतलब एकदम अति प्रसन्न हो गए भगवान जब विभीषण जी भगवान के पास पहुँचे और वो मित्रता का गठबंधन ऐसा हुआ कि रावण ऐसा प्रतापी दशकंधर
जिसका पूरे इस दुनिया में आतंक और एकाधिकार था, जिसने देवताओं को भी जीत लिया था, देवताओं को अपने वश में कर लिया था। मतलब कितना बड़ा हमारे साहित्य में इस इन चीज़ों को पहले से ही दर्शा दिया गया है कि ऐसे ऐसे अत्याचारी, ऐसे ऐसे आतंकवादी मतलब हो चुके हैं इस दुनिया में, और दुनिया में हमेशा समय समय पे ऐसे लोग होते रहेंगे जो त्राहि त्राहि कर देंगे जनता को। तो ऐसे अत्याचारी और आतंकवादियों का अगर समापन होगा तो मित्रता के द्वारा ही होगा। जब आदमी मित्रता में एक दूसरे से संबंध मधुर बना के रखेगा और राम और विभीषण जी ऐसे गठबंधन करेगा, दो संस्कृति जब एक हो जाती हैं तो फिर सृजन होने लगता है। यही मित्रता का सबसे बड़ा संदेश है। आज मित्रता के इस पावन अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं भारत के मित्रों की जो प्रेरणात्मक अपना चरम बिंदु है उसकी परिणति कैसे हुई, उस पर भी आज मैं चर्चा करना चाहूँगा, और विशेषकर नए बच्चों के लिए जो उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनके सपनों में IAS और IPS बनना है। भारत की सबसे उच्चतम सर्विस अगर कोई है तो IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा है। उसमें मित्रों ने कैसे झंडे गाड़े, एक मित्र ने अपने दूसरे कमज़ोर मित्र को कैसे घसीटकर उस श्रेणी तक पहुंचाया, इसके ज्वलंत उदाहरण आज मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं इस वीडियो के द्वारा। और देखिए, पूरे भारत में बिजनौर वासी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। बिजनौर वालों ने इस बार पूरे UPSC में झंडा गाड़ दिया परीक्षा में। वहाँ की 3 बच्चियों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। नंबर 1 पर श्री श्रुति शर्मा जी हैं, और वहीं से सुमायला चौधरी जी और स्मृति भरद्वाज और स्वामिला चौधरी जी बड़ी घनिष्ठ दोस्त हैं आपस में। अब कौन तेज है, कौन कमज़ोर है, मैं इस विवाद में तो नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन दोनों लोगों ने इस बार IAS की परीक्षा पास की। और वहीं बिजनौर जनपद से श्रुति शर्मा जी ने UPSC परीक्षा को टॉप किया है वर्ष 2021 की परीक्षा में। चलिए, हमारे ब्लॉग की तरफ से इन सभी को बहुत बहुत बधाई। यहाँ जहाँ हम महिला सशक्तिकरण की बात मैंने की दोस्ती के रूप में, मित्रता के रूप में, वहीं पुरुष भी पीछे नहीं है। पुरुष भी मित्र से मित्रता के चरम बिंदु पर पहुँचे हैं, उनका उदाहरण भी मैं आपको दे रहा हूँ। नए बच्चों के लिए विशेषकर प्रेरणा लीजिए, आपस में वार्ता करिए, आपस में ग्रुप बनाइए और ग्रुप बना के बड़े से बड़े कार्य कर डालिए। चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे किसी खोज के क्षेत्र में हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे भारत की रक्षा के संबंध में हो, आगे बढ़िए, मित्र बना के आगे बढ़िए। भाई, भारत में UPSC परीक्षा के एग्जाम की बात हो, वो केरल राज्य का नाम अगर ना आए तो ये उल्टे बांस बरेली को है। केरल तो वो पावन जगह है जहाँ भगवान प्रभु शिव माता जगत जननी जी के साथ रामचरित्र सुनने गए थे कुंभज ऋषि के पास। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जनन भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। केरल वो पावन भूमि जहाँ प्रकृति का अपरंपार भंडार है, जहाँ आदि शंकराचार्य जी ने अलग जगाया ज्ञान का, विश्व बंधुत्व का, पूरे विश्व से उन्होंने दोस्ती की, पूरे विश्व को सदाचार सहिष्णुता धर्म के उपदेश दे डाले, पूरे अखंड भारत का भ्रमण कर डाला। ऐसे पावन केरल में भी मित्रता की एक अनूठी पहचान मिली, और दोनों मित्रों ने मिलकर 5 साल लगातार घनघोर मेहनत करके और इस महान परीक्षा का को उत्तीर्ण किया। वो दोनों मित्र की दास्तान या कहानी इतनी मतलब महान है कि प्रत्येक बच्चे को, नए बच्चे को प्रेरणा लेना चाहिए और इसी तरह मित्रता और दोस्ती करना चाहिए। एक दूसरे को जो जिस विषय में कमज़ोर है उसको मजबूत बनाएं और उसको आगे बढ़ाएं, इसी को दोस्ती कहते हैं।
मैं आज उन दोनों मित्रों के जिन्होंने एक साथ रहकर एक रूम में रहकर लगातार 5 साल मेहनत करके तिरुवनंतपुरम में श्री अखिल वी मेनन और श्री कुमार रविंद्र कुमार जी के नाम बता रहा हूँ। श्री मेनन साहब ने 66वीं रैंक प्राप्त की और श्री रविंद्र कुमार साहब ने 192वीं रैंक प्राप्त की, जो कि मूल रूप से अखिल साहब त्रिशूर के रहने वाले हैं और कुमार साहब कोझिकोड के रहने वाले हैं। लगातार 5 साल परीक्षा की तैयारी करने में 2 बार अनुत्तीर्ण भी रहे, लेकिन फिर भी अपने हौसले को अपने लक्ष्य को से डिगे नहीं और दोनों मित्रों ने एक साथ तैयारी करके एक दूसरे की कमियां निकाल के और इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। दोनों सभी लोग बधाई के पात्र हैं, विशेषकर उनके पूज्य माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी जिन्होंने सहयोग दिया। और आज के अच्छे दिवस में, विशेष दिवस में ये मित्रता के लिए हम उनको बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं। एक उत्तर प्रदेश के बिजनौर की महिला सशक्तिकरण और पुरुष वर्ग में केरल के दोनों मित्रों को आज कोटि कोटि बधाई और कोटि कोटि शुभकामनाएं। अन्य बच्चे प्रेरणा लें और प्रेरणा लेके ऐसी दोस्ती करें कि बड़ी से बड़ी परीक्षा, बड़ी से बड़ी समस्या का सरलता से, आसानी से समाधान निकाल लिया जाए। मित्र वही है जो समाधान निकाले, मित्र वो नहीं जो समस्या क्रिएट करे, मित्र तो वही है जो समाधान निकाल के बता दे। जैसे विभीषण जी ने समाधान बताया, निषाद राज गुह ने समाधान बताया, सुदामा जी ने अपने मित्र का सारा दंश स्वयं ग्रहण कर लिया। कभी सुदामा जी की मित्रता ऐसी नहीं है, भगवान कृष्ण के जितने भी मतलब पाप पुण्य वो जो थे, उन मतलब जो पाप होने जा रहा था वो सुदामा जी ने स्वयं ग्रहण किया, उसका बदला छोटा सा दिया है भगवान ने उनको। चलिए, मित्रता के आज पावन दिवस पे हमारी वीडियो सभी लोग देखें और प्रेरणा लें, अवश्य प्रेरणा लें। और मेरी एक जो सीख है कि अगर कोई जीवांतता रखना चाहता है तो वो आज पेड़ पौधों से, वृक्षों से दोस्ती करे, उनकी रक्षा करे और उनका संरक्षण व संवर्धन करे, जिससे जलवायु, प्रकृति, पर्यावरण की सुरक्षा हो सके और एक गांव, एक नगर और एक देश समृद्ध हो सके और हम सुहावना और अच्छा वातावरण इस दुनिया को दे सकें। चलिए, आज मित्रता के पावन दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू।